अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट शबाना यासीर और आप देख रहे हैं गुड नाइट पाकिस्तान। जी सुबह मुझसे उठा नहीं जाता था इसलिए मैंने शिफ्ट अपनी नाइट में करवा ली। एनीवे आज हमारे शो पे बहुत ही फेमस गेस्ट आए हैं, तो वेलकम करते हैं बहुत जोर तालियों से ज़ैनब की फैमिली का। तो अरशद भाई, मेरा पहले आपसे ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो अरशद भाई, मुझे ये बताएं, आप ज़ैनब और मोहम्मद को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? जी, वो पड़ोसियों के बच्चे हैं। सच में? कैसी बातें करती हैं शबाना यासिर, वो हमारे ही बच्चे हैं, बस अब उन्होंने अपना चैनल बना लिया है, वो देखें। पापा जी, अब मैंने अपना लादा चैनल बनाया। हाँ मामा जी, मैं और मोहम्मद भाई अब अपना लादा चैनल बनाने की सोच रहे थे। ओ अच्छा 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 अच्छा, चले अब हम अपनी नन्ही सुपरस्टार दुआ से बात करेंगे। दुआ? दुआ, हमें ये बताएं, आप इतनी सी उम्र में फेमस हो गई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? वैसे ही जैसे अब आपको इस उम्र में लग रहा है। मेरा मतलब है, आप तो फीटर पीने की उम्र में फेमस हो गई हैं। चलो, मैं तो फीटर पी के फेमस हो रही हूँ ना, किसी गाड़ी का फॉर्मूला बना के उस पर एक्सपेरिमेंट करके तो फेमस नहीं हुई ना। वाकई में बहुत शरारती है दुआ। चले अब हम ज़ैनब की मामा से बात करेंगे। ज़ैनब की मामा, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो ग्रोजियस, सो प्रीटी, फिर आप वीडियोस के अंदर इतना ढकी छुपी क्यों होती हैं? थैंक यू शबाना। दरअसल बात यह है कि ज़ैनब के पापा मुझे कहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे बगैर पर्दे के आएंगे ना, तो डुग्गी बाई की बाइक या सुसुलोजी जैसी जितनी भी है ना, सब आपके सामने फ्लॉप हो जाएंगी। ओ अच्छा अच्छा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा शो ही फ्लॉप ना हो जाए। चले अच्छा, मुझे ये बताएं, जब बच्चे घर पे नहीं होते तो फिर आप दोनों अकेले क्या करते हैं? ज़ैनब की मामा, ये तो आप ही बताएं। नहीं ज़ैनब के पापा, ये तो आप ही बताएं, मुझे शर्म आ रही है। बेगम, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, बता दो इन्हें, मैं सब्जी धोता हूँ, उन्हें आप काटती हो, मैं खाना बनाता हूँ, आप रोटी बनाती हो, मैं दस्तरखान लगाता हूँ, उस पर आप खाना लगाती हो, और फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह। चले मेरा ये आखिरी सवाल है, बैक कैमरा आप लोगों की डेली रूटीन कैसी होती है? जी, मैं स्मगलिंग करता हूँ और ये डिस्को पार्टी करने जाती हैं, आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जी नहीं, ज़ैनब के पापा मजाक कर रहे हैं, हम अपनी डेली रूटीन ही अपनी वीडियोस में दिखाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं बनाते। चलिए ठीक है, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आपको ज़ैनब की फैमिली। देखते रहिए गुड नाइट पाकिस्तान शबाना यासिर के साथ, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ए इधर आओ, डायरेक्टर को जाके बोल दो आइंदा से ना मुझसे कम फेमस लोगों को शो पे बुलाए।